नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा सक्सेना, BHMS MD. आई एम प्रैक्टिसिंग इन इंद्रापुरम, गाजियाबाद, ज्ञानखंड 4 सिंस 10 इयर्स. मैं एक अपकमिंग, अभी आजकल जो बहुत ज़्यादा फीवर जो फैल रहा है उसके रिगार्डिंग आपको बताना चाहूँगी. वायरल फीवर जो हो रहा है काफ़ी दिन तक, 5-7 दिन तक, और उसमें पेशेंट्स को अलग अलग तरीके के सिम्टम जैसे हेडेक, बॉडी एक, जॉइंट पेन, ठंड लग के बुखार चढ़ना, सर दर्द, उसके साथ गैस्ट्रिक सिम्टम भी एसोसिएटेड है जैसे वॉमिटिंग, नॉजिया और लूज मोशंस हो रहे हैं पेशेंट्स को. एंड बहुत सारे पेशेंट्स ये कंप्लेंट भी करते हैं कि जो उन्होंने दिखाया है, उनके इन्वेस्टिगेशंस भी हुए हैं कि बट लेकिन उसमें ना तो टाइफाइड पॉजिटिव आता है, ना ही इनका डेंगू NS1 पॉजिटिव आता है और NH1 पॉजिटिव आता है, प्लस मलेरिया भी नेगेटिव आ रहा है, बट सिम्टोमेटोलॉजी उस तरीके की है. तो उसमें ट्रीटमेंट जो एलोपैथिक वो ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ले रहे हैं, जैसे टाइफाइड के सिम्टम है तो इवन इफ टेस्ट नेगेटिव भी है तो भी उनको उस तरीके का एंटीबायोटिक या कुछ लेके भी उतना जल्दी आराम नहीं पड़ रहा है, या फीवर 3 दिन ठीक हो गया उसके बाद 3-4 दिन बाद दोबारा से चल रहा है और 4-5 दिन चल रहा है. तो उससे बहुत लोगों को कंप्लेंट मतलब आई है ये चीज़. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसमें आप अलॉन्ग विद पेशेंट पूछते हैं कि पैरासिटामोल ले लिया है या डोलो ले लिया है या मेफ्टाल ले लिया है हमने, उसके बावजूद हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं या नहीं. तो यस, आप होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है. आप अपने होम्योपैथिक कंसल्टेंट को अपने सिम्टम बताइए, वो आपको उसके लिए बहुत रिपिटेशन या जैसे भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होगी जो आपके सिम्टम के अकॉर्डिंगली होगी. बहुत सारी ऐसी होम्योपैथिक की मेडिसिंस हैं, जिलसीमियम हैं, जो आपको इन सब सिम्टम में बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं. बस डिपेंड करता है डोजेज, जो आपको आपका होम्योपैथिक डॉक्टर ही बता पाएगा, और आप डेफिनेटली इस चीज़ से उसमें आराम पाएंगे. अलॉन्ग विद आप अपने, अगर आपने डोलो ले भी ली है तो भी आप उस चीज़ को मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन को कंसीडर कर सकते हैं. बस थिंग इज़ दैट कि उसके साथ आपको बेसिक मैनेजमेंट जो करना है, दैट इज़ प्लेंटी ऑफ फ्लूड्स लेना ज़रूरी है. आप कोकोनट वाटर लीजिए, उसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम भी है जैसे वायरल में आपको थोड़ा सा नेजल कंजेशन और ये सब जो कफ वगैरह डेवलप हो रहा है, उसके लिए भी आप साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं. तो इस तरीके से बहुत सारी दवाइयां हैं जो उसके साथ आपको दे सकते हैं, डेफिनेटली आपको आराम आएगा. तो आप उसको एक चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट बना के उसको फॉलो करिए. बट फिर एक बार कहूँगी कि आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए, वो आपको प्रॉपर टाइमिंग एंड उसका इंटरवल बता पाएंगे मेडिसिन को, आपको कितना फ्रीक्वेंटली लेनी है. क्योंकि फीवर के केस में जो होम्योपैथिक मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन टाइम जो होता है वो डॉक्टर अपने हिसाब से अलग तरीके से देते हैं कि जिस टाइम पे आपका फीवर उतरा हुआ है उस टाइम तो देनी ही देनी है, बट जो उतरने वाला फेज़ होता है उसमें रिपीटेशन कैसे करना है और किस तरीके से आपको मेडिसिन देनी है, तो उसके साथ बाकी आपको डाइट मैनेजमेंट और ये सब भी नीडेड होता है, प्लस आपको खाने में क्या सावधानी बरतनी है, क्या चीज़ नहीं खानी है, ये सब चीज़ें उसके साथ बताई जाती हैं. तो आप उसमें डेफिनेटली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से हेल्प ले सकते हैं. थैंक यू दोस्तों.